तो सॉल्ट एंड लव किचन रेसिपीज में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक गजब का टेस्ट वाला रोहू मछली की रेसिपी। ये दिखने में जितना टेम्पटिंग है बनाने में उतना ही है आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मछलियों को करेंगे एकदम अच्छी तरह से फ्राई। तो मैं उसी तेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें मैंने मछलियों को फ्राई किया था, क्योंकि तेल को हमें नहीं करना चाहिए वेस्ट। जरा सा काली जीरा डाला है, लगभग 1/4 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, लहसुन, अदरक और सरसों का पेस्ट। प्याज 1 मीडियम साइज, अदरक 1 से 1.5 इंच और लहसुन की कलियां 7 से 10 और 1 चम्मच सरसों। सरसों के साथ ही ऑथेंटिक बंगाली फ्लेवर आता है और हम इसे बना भी सरसों के ही तेल में रहे हैं। आंच को हम रखेंगे मीडियम और इसे हम जरा सा चलाते हुए मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अच्छा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि मछली को फ्राई करते समय भी नमक थोड़ा सा जरूर डालिएगा, अदरवाइज मछलियों का टेस्ट फीका आएगा और आप कहेंगे कि मैंने बताया नहीं था। अब इन सबको अच्छी तरह से हल्के हाथों से चलाते हुए मिक्स करेंगे। इसे तब तक बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि मसालों से तेल अलग ना हो जाए। इससे बहुत ही गजब का अरोमा आ रहा है, बहुत ही टेम्पटिंग है ये। इटालियंस के लिए जो ऑलिव ऑयल है, बंगालीज के लिए वही मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल है। और मछलियों की ये रेसिपीज जो ये डिशेस जो सरसों के तेल में पककर निकलती है, बहुत ही गजब की टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, मसाले तेल छोड़ना शुरू कर चुके हैं। अब हम इसे मिलाएंगे जरा सा पानी। पानी ज़्यादा नहीं मिलाया हमने, ज़रा सा मिलाया, लगभग 100 ml के करीब। तो अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें एक अच्छा सा उबाल ना आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे मछलियों को, एक एक करके डालेंगे। अगर हम सब मछली एक साथ डाल देंगे तो मछलियों के टूटने का रिस्क होता है, इसलिए हमेशा मछलियों को एक एक करके ही डालना चाहिए। हमने टोटल मछलियों के 11 पीसेस लिए थे। जितना ज़्यादा हो आपकी मछलियों का पीसेस, उस हिसाब से आप ग्रेवी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको एडजस्ट कीजिएगा। और अगर आपको झोल ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा पानी मिला सकते हैं, यानी कि ज़्यादा ग्रेवी के लिए ज़्यादा पानी। इसका रंग बड़ा गजब का आया है, ये बहुत स्वादिष्ट लग रही है, देखकर ही पता चल रहा है। अब इसे बस एक अच्छा सा उबल लाने तक पकाएंगे और ये हो जाएगा डन। इस स्टेज में आप इसमें फ्रेश, एकदम फ्रेश धनिए का पत्ता भी डाल सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छी तरह से गार्निश भी होता है। धनिया पत्ता और नींबू के साथ इसे प्लेट में गार्निश करने से बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये माछेर झोल बन के हो चुका है तैयार। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा।